भीकू एक छोटे से परिवार से था जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होते जा रही है, आपको ये चाट का व्यापार छोड़कर कोई काम काज करना चाहिए, कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। तुम तो जानती हो कि मैं बरसों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ, अब अगर ये ठेला चल नहीं रहा तो मैं इसे बंद थोड़े ना कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे सामान से अच्छी स्वादिष्ट चाट बनाता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ। कुछ भी करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी, मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सामान उठाया और अपने ठेले के लिए निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, सब अच्छे देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो अच्छे अच्छे आलू प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे, वो तो मैं तुम्हें कम दामों में बेच सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे अच्छे अच्छे आलू और प्याज ही दो। ठीक है। तभी वहाँ रमणीक भी आया। मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। अच्छे वाले? नहीं नहीं, सस्ते वाले, मुझे कौन सा खुद खाना है। अरे भाई, लेकिन तुम अपने ग्राहक को तो यही खिलाओगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, ये तुम मुझे मत सिखाओ। मेरा मैं देख लूंगा, तुम अपने ठेले पर अच्छे वाले आलू प्याज से चाट बनाओ और खुद ही खाओ, वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है। भीकू का मुंह छोटा हो गया और वो वहाँ से चल पड़ा। भीकू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और भीकू के ठेले पर कोई भी नहीं आता। आइए आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए, समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीकू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर भीड़ लगी रहती। अरे पहले मुझे दो। अरे नहीं, पहले मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, झगड़ा मत करो। अपने ठेले का यह हाल देखकर भीखू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भीकू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, पर आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई। वो उदास घर लौटा। आज भी बिक्री नहीं हुई है लगता है। हाँ, आज भी सारी भीड़ रमणीक के ठेले पर ही थी। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए, अब तो घर में राशन भी नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे कुछ दिन तो दो। घर में बस एक टक अनाज है, अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना अकेले रहना इस घर में, मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे पिताजी हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक ओर भीखो ठेले पर चाट ना बिकने की वजह से परेशान था और दूसरी ओर पत्नी उसकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही थी। अगले दिन भीखो ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले ने आवाज लगाई। अरे भैया, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भैया, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीकू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की तरह उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर भीड़ आने लगी थी। स्वादिष्ट चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट, आ जाओ आ जाओ।
उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं? आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखो की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूँ, फिर भी ग्राहक उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे परिवार की तो भूख मरने की नौबत आ गई है। तो उदास मत हो, ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो ग्राहक खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा बेटा। जैसे ही भीखू ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा! भीखू बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा पर वो गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी और कहाँ गई अचानक? क्या ये मसाला सच में जादुई है? भीखू ने मसाले का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई चाट मसाला अपने आलू में मिलाया और उसका ऐसा करते ही सारी भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आई। मुझे एक दही चाट, मुझे आलू चाट, मुझे तीखी पापड़ी चाट, अभी देता हूँ। भीखू ग्राहकों को चाट बनाते देता गया और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली बार भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट खत्म हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की ओर देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। इतने सारे पैसे और ये ले गुड़िया तेरी चॉकलेट। माँ देखो पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं, मेरे प्यारे पापा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के बारे में बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे, अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले दिन से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा दिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का। चना जोर गरम। बुंदेला के बाजार में ये आवाज सुनते ही लोग हरिया की ओर खींचे चले आते। जो भी उसके चना जोर गरम खाता, वो तारीफ किए बिना रुक नहीं पाता। अरे वाह, क्या बढ़िया चना जोर गरम है। इससे अच्छा चना जोर गरम कहीं नहीं मिलता भैया। अरे ऐसा क्या डालते हो इसमें भैया? अरे भैया, हमारा पुश्तैनी स्पेशल मसाला, सारा स्वाद उन मसालों का ही है। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हमको 20 रुपए का और दे दो, घर ले जाएंगे और अपनी लुगाई को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भैया जी, ठीक है। हरिया चलते फिरते लोगों को चना जोर गरम बेचा करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। संदीप हरिया को रोज देखता और रोज मन ही मन में सोचा करता था, ये हरिया बिना दुकान या ठेले के बहुत अच्छा कमाता है। और एक हम हैं, भेल की दुकान डाल के बैठे हैं, ससुरे ग्राहक ही नहीं आते यहाँ तो।
लगता है बुंदेला के लोगों को चना जोर गरम ज्यादा ही पसंद है। वो तो है। तो क्यों ना आप भी चना जोर गरम बेचे? अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ, कल ही बाजार से चना जोर गरम और मसाला लेके आते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे ये हरिया हमारे सामने टिकता है। संदीप और उसकी पत्नी को लग रहा था कि चना जोर गरम बेचना आसान होगा। अगले दिन संदीप ने अपनी भेल की दुकान में चना जोर गरम भी रखा और बाहर चना जोर गरम की तस्वीर भी लगा दी। तस्वीर देखकर एक औरत उसके दुकान पर आई। अरे भैया, तुम भी चना जोर गरम रखने लगे हो क्या? हाँ हाँ दीदी, आप कहें तो बना दे क्या? हाँ हाँ बनाओ, आज तुम्हारे हाथों का स्वाद भी चख लेते हैं। हरिया भैया जितना अच्छा भी नहीं है। इसके बाद कई और लोगों ने संदीप का चना जोर गरम चखा और सब ने संदीप को यही बताया। और कुछ देर बाद जब हरिया घूमता घूमता वहाँ पहुँचा तो सारे ग्राहक उसके पास चले गए। अरे भैया, हमको 20 रुपए का दे दो। हमको भी। ग्राहकों को ऐसा भागता देख संदीप और जलने लगा। जाने इस हरिया ने ग्राहकों पर क्या जादू कर रखा है। सुने नहीं, उसके मसाले में जादू है। और हमने ये भी सुना है कि ये उसका खानदानी मसाला है, उसके दादा परदादा बताए गए थे। तो अब हम क्या करें? तुम उस मसाले को बनाने का तरीका सीख लो तो सारे ग्राहक तुम्हारे। अरे तरीका सीखना इतना सरल है क्या? सरल तो नहीं है, पर हमारे पास एक आइडिया है। मधु ने संदीप के कान में अपना आइडिया बताया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन हरिया के घर के बाहर 15 साल का लड़का भीख मांगने आया। उसने हरिया का दरवाजा खटखटाया। अरे भैया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखे हैं। हरिया दयालु था, वो तुरंत घर के भीतर गया और उस बच्चे के लिए खाना ले आया। उस बच्चे ने हड़बड़ी में खाना खाया और फिर हरिया ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पिताजी तो बचपन में मर गए और माँ को मरे 2 महीने हो गए, तब से यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं। भूखे पर हमको कोई काम ही नहीं देता। अरे 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 रो मत मुन्ना, हम है ना, तुम हमारे पास काम कर लो, हम तुमको भर पेट खाना भी देंगे और तुम यहीं हमारे साथ रह सकते हो, ठीक है? भगवान हो। अरे 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 रो मत, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुरली शर्मा। ठीक है, आज से तुम हमारे साथ ही रहना, यहाँ तुम्हें कोनो चीज की तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया ने अनाथ मुरली को आश्रय दिया। हरिया मुरली को बाजार ले जाता और घर के छोटे मोटे काम भी दिया करता था। ई लो, 1 किलो टमाटर ले आओ और ये 10 रुपए तुम्हें ही रख लो, तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो खा लेना। धन्यवाद भैया। कुछ ही दिनों में मुरली हरिया के साथ घुल मिल गया था। हरिया हमेशा अपना मसाला रसोई का दरवाजा बंद करके बनाया करता था, लेकिन एक दिन मुरली ने रसोई की खिड़की से सब कुछ देख लिया। कुछ देर बाद मुरली हरिया के पास आया। हाँ हम जा रहे हैं। अरे पर कहाँ? आज हमें बाजार में हमारी चचेरी बहन मिल गई। अरे कौन? ओहो मधु दीदी, उनकी बाजार में भेलपुरी की दुकान है। अरे तू संदीप का साला है, तो पहले क्यों नहीं बोला? आज बाजार में दीदी मिली, उनको जब माँ के मरने का पता चला तो रोने लगी और हमको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। अब हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे,
हमरा इतना ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है। हरिया समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। मुरली को मधु ने भेजा था हरिया के मसाले का राज जानने के लिए। मुरली और मधु ने वो मसाला तैयार किया। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, चना जोर गरम स्पेशल मसालों के साथ। एक बनाओ भैया, देखते हैं तुम्हारे स्पेशल मसाले। हाँ भाई लो। संदीप ने चना जोर गरम में वो मसाले मिला दिए। ये लीजिए। मिर्ची, 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 इतनी मिर्ची। मधु ने उस औरत को पानी दिया। अरे ये स्पेशल मसाले हैं या सिर्फ मिर्ची है? इतना तीखा, तुम लोग हमको मारना चाहते हो क्या? वो औरत संदीप और मधु को खरी खोटी सुनाकर चली गई। संदीप और मधु मुरली की ओर देखने लगे। लेकिन हमने तो सब कुछ सही किया था। तभी वहाँ हरिया आया। बिटवा, तुमने तो सब कुछ सही किया पर हमने तुमको गलत दिखाया। हम पहले ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम शरीर से इतने तंदुरुस्त थे। भला कोई गरीब इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? हाँ, अरे संदीप, तुमको हमारे मसाले का राज जानना था ना, वो तो हम तुमको नहीं बताएंगे। पर हरिया समझदार था, उसने अपना राज ही रखा। दशरथ और शिखा ने लव मैरिज की थी। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे। गीता और नीता को शिखा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा भला मैं दशरथ के लिए अपनी सहेली की बेटी देख रही थी। वो दिखने में सुंदर भी थी और अपने साथ बहुत कुछ ले आती, वरना एक ये है जो मुंह उठाकर चली आई। माँ, ऐसे भी लोग होते हैं क्या, फकीर, जो अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं देते? शिखा हमेशा अपनी सास और ननद की जली कटी बातें सुना करती थी, पर वो कभी भी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देती थी। ओ महारानी, अब क्या ये सारा काम मैं करूं? इतनी बड़ी बड़ी आंखें होकर भी दिख नहीं रहा कि सारा घर कितना गंदा है। अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। गीता और नीता शिखा से नौकरानी जैसा सुलूक करते थे। शिखा का पति दशरथ एक साधारण ऑफिस बॉय था। उसकी पगार भी बहुत कम थी। वो अपनी सारी पगार अपनी माँ को दे दिया करता था। ये लो माँ, इस महीने की पगार। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू लाखों रुपयों का पगार लाता है। वो देख तेरी छोटी बहन, उसकी पगार तुझसे दुगनी है। माँ, वो पढ़ी लिखी है, उसे अच्छी पगार तो मिलेगी ही। इसीलिए तुझसे बचपन से कह रही थी कि पढ़ ले, पर तूने मेरी कहाँ सुनी? जब देखो मनमानी करता रहता है, शादी भी अपनी मर्जी से की। मेरी सहेली की बेटी से शादी करता तो घर लक्ष्मी आती, पर तू है कि? माँ जाने दो, इसमें भैया की क्या गलती है? हाँ हाँ, सारी गलती तो इस डायन की है, मेरे भोले भाले बेटे को फंसाया है इसने। माँ, आप शिक्षा के बारे में ऐसा मत बोला करो। हाँ, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा, वो भी इस कल की आई हुई लड़की के लिए? अब यही दिन देखने रह गए थे क्या? दशरथ चुप हो गया और उसकी माँ अपने बहू और बेटे को कोसती रही। ये रोज का था, हर दिन गीता और नीता शिखा और दशरथ को सुनाया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। भैया, भाभी ने मेरे पर्स में से पैसे चुराए हैं। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है, कम से कम सोच समझ कर बोल। उसने क्या गलत बोला? उसके पैसे चोरी हुए हैं और उसने शिखा पे शक किया है। माँ तू भी, भला शिक्षा पैसे क्यों चुराएगी? अब वो तो तेरी पत्नी शिखा ही बता सकती है। ये सब सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। बस माँ, किसी को इतना भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। भले ही शिखा गरीब परिवार से है पर वो चोर नहीं है। आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। चलो शिखा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जा, मैं भी देखती हूँ, जब दाल आटे का भाव समझ में आएगा तो यहीं लौट कर आएगा। और उसी वक्त दशरथ और शिखा ने घर छोड़ दिया। शिखा ने अपने कंगन गिरवी रखे और मिले हुए पैसों से उन दोनों ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पे ले लिया।
कम से कम इस घर में शांति तो है। वो तो है, पर क्या आपका ये घर छोड़ना सही था? शिखा, मैं अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग हमें खुशी से जीने नहीं देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे ये घर बहुत अच्छा है। हाँ, और हम इस छोटे से घर में अपना आशियाना बनाएंगे। बिल्कुल। शिखा और दशरथ छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी जीने लगे। रोज दशरथ अपने काम पर जाता और जब वो लौटता तो शिखा उसके लिए उसके मन पसंद पकवान बनाया करती थी। ऐसी उनकी अच्छी कट रही थी। एक दिन दशरथ मायूस घर लौटा। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? मुझे काम से निकाल दिया गया है। क्या, पर क्यों? मालिक ने बोला है कि कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने कई लोगों को काम से निकाल दिया, उसमें मैं भी हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। अगले दिन से दशरथ इंटरव्यू देने जाने लगा, पर हर जगह से वो मायूस लौट रहा था। वो उदास था। एक दिन जब वो घर लौटा तो शिखा के पिताजी आए हुए थे। आ गए बेटा, शिखा ने बताया कि तुम नई जॉब ढूंढ रहे हो। जी ससुर जी, पर मिल ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलेगा। जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती है तब तक कोई व्यापार कर लो। ससुर जी, मुझे कोई व्यापार आता ही नहीं है। लेकिन शिखा को तो आता है ना। जब मैं बीमार था तो वो अपनी माँ के साथ समोसा और चाट का व्यापार करती थी और उसका समोसा चाट बहुत ही मशहूर भी हो गया था। तुम दोनों मिलकर समोसे और चाट का व्यापार क्यों नहीं करते? पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सुझाव अच्छा है। हाथ गाड़ी खरीदनी होगी। हाथ गाड़ी है मेरे पास, चाहो तो वो ले जाओ। ठीक है ससुर जी। दशरथ और शिखा ने समोसा चाट का व्यापार करने की ठान ली। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे उससे उन्होंने तवा, गैस और कुछ बर्तन खरीद लिए और अगले ही दिन उन लोगों ने नुक्कड़ पर अपना समोसा चाट का ठेला लगा दिया। समोसा चाट ले लो, मुंबई का मशहूर समोसा चाट, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाट जाओगे। आओ आओ आओ। दशरथ की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक दशरथ के ठेले पर आ गए। एक प्लेट देना तीखा। शिखा ने उस औरत को समोसा चाट दिया, जो खाते ही वो खुश हो गई। वाह वाह, क्या स्वाद है, ऐसा स्वादिष्ट समोसा चाट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और फिर कुछ और ग्राहकों ने शिखा के समोसे चाट चखे। सबको समोसे चाट का स्वाद बहुत पसंद आया। पहले ही दिन शिखा और दशरथ की अच्छी आमदनी हो गई। वो लोग खुश थे। फिर क्या था, दशरथ और शिखा रोज अपना समोसे चाट का ठेला लगाते और ग्राहक बड़े चाव से उनके समोसे चाट खाया करते थे। एक ही महीने में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। ये देखो शिखा, इतने सारे पैसे, ये तो मेरी महीने की पगार से कई गुना ज्यादा है। तुम्हारा समोसा चाट तो हिट है। अच्छा है, इन पैसों से पहले हम अच्छा घर लेंगे। बिल्कुल। दशरथ और शिखा और ज्यादा मेहनत करके समोसे चाट बनाकर पैसे कमाने लगे। एक ही साल में उन दोनों ने अपना घर खरीद लिया और बाजार में एक दुकान भी। अब वो दोनों अपनी खुद की दुकान में समोसे चाट बेचा करते थे और उन्होंने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया था। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी कर पाऊंगा। थैंक यू शिखा, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी। मैंने नहीं, हम दोनों ने। उसी वक्त उनके घर की डोरबेल बजी। शिखा ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे उसकी सास और ननद थी। आइए माजी, अंदर आइए। शिखा की सास और ननद घर के भीतर आए और रोने लगे। माफ कर दो मुझे बहू,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दीजिए। माँ, लेकिन हुआ क्या है? अब क्या बताऊँ, नीता की नौकरी चली गई, उसी कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही। ऊपर से जितने पैसे बचे थे सब खर्च हो गए, अब तो हमारे खाने के भी लाले हो गए हैं। तो ये बात है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। दशरथ ने अपनी माँ के हाथ में पैसे रख दिए। हर महीने आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तू हमेशा खुश रहे। गीता और नीता वहाँ से चले गए। आप माझी और नीता दीदी को हमारे साथ रहने के लिए बोल सकते थे। हाँ, लेकिन वो दोनों हमेशा दूर ही रहें, वही अच्छा है। मैं अपनी माँ और बहन को अच्छे से जानता हूँ, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो मैं उन्हें दूंगा, वो भी खुश और हम भी खुश। ठीक है। एक वक्त था कि शिखा और दशरथ लाचार थे, पर अब उनके समोसा चाट के व्यापार ने उनकी परिस्थिति बदल दी। कल जिन्होंने उनका तिरस्कार किया था, आज वही उनके सामने सिर झुका रहे थे, और ये सब उनकी मेहनत की बदौलत हुआ था।